तो मार्केट स्टाइल में बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। तो यहाँ पे मैदा मैंने 2 किलो यूज़ किया है और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने डाला है एल्युमिनियम पाउडर, और यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैं डालूँगा इसमें बेकिंग पाउडर। आप इसमें अगर घर पे बना रहे हो तो आपके पास एल्युमिनियम पाउडर नहीं हुआ तो इसमें मीठा सोडा आप यूज़ कर सकते हो। और मार्केट जैसा इसको कलर देने के लिए मैं इसमें रेड कलर का यूज़ कर रहा हूँ। मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा रेड कलर में बालूशाही मिलता है। और इसमें मैं 2 किलो मैदे में मैंने डाला है यहाँ पर 800 ग्राम पानी। आप 1 किलो मैदे में 400 ग्राम पानी डाल सकते हो। और इसमें हम घी भी डालेंगे, तो घी को थोड़ा सा मेल्ट करके थोड़ा सा हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे 400 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे घी डाला है। तो 2 किलो मैदे में मैंने 400 ग्राम यहाँ पे घी डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैश बहुत बढ़िया से करना ज़रूरी है, तो इसको हम पहले अच्छे से कलर को अंदर मैश कर लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो सभी जगह मिक्स हो जाए। और इसको हम अच्छे से बिल्कुल आटे की तरह गूँध लेंगे जैसे हम आटा गूँधते हैं घर पर। तो ये देखिए हमारा जो मैदा है वो गूंद के रेडी हो चुका है। तो अगर आप पानी सही हिसाब से डालोगे तो आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी इसमें। तो यहाँ पे हमारा जो लिफाफे में डाल के रख दिया था हमने, तो लिफाफे में डालने से ये सॉफ्ट रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा टाइट नहीं होता। तो हमने ऐसे इसी तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने और इसको ऐसे राउंड राउंड शेप बना के हम इसको बालूशाही का जो शेप है उसको देना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, तो इसको ऐसे अपने फिंगर से प्रेस करना है तो ये बालूशाही के शेप में आ जाएगा। ये अभी आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये इसमें एल्युमिनियम पाउडर डाला है इसीलिए ये फूल के बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके डबल साइज़ का हो जाएगा ये। तो मार्केट में इसी तरह एल्युमिनियम पाउडर का यूज़ करके ही और बहुत ही ज़्यादा इसको फुलाया जाता है। तो हम घर में इतना ज़्यादा तो नहीं फुलाते, तो इसमें मीठा सोडा आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो एल्युमिनियम की जगह। तो इसी तरह से हम अपने सारे जो बालूशाही हैं वो सभी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। और आप इसको अच्छे से प्रेस कीजिए ताकि ज़्यादा क्रैकिंग्स भी ना हो और थोड़ी देखने में अच्छा भी लगे। तो उसके बाद ये हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब इसको हम कढ़ाई गरम कर रहे हैं तेल, अब इसको फ्राई करने के लिए। तो इसमें एक पीस डाल के देखते हैं कि जो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर अभी मैंने एक डाल के देखा तो इसमें बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर कम करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा और तेल डाल दिया है ताकि टेम्परेचर इसका कम हो जाए। तो यहाँ पर मैंने दोबारा इसमें 2-4 पीस और डाल के देखे कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अब सही है बिल्कुल, ये धीरे धीरे ऊपर आ चुके हैं। और इसको चेक कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट है और फूल भी बहुत ज़्यादा रहा है। तो हम इसको अपना सारा इसमें डाल देंगे, अपना सारे बालूशाही इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। तो आपने तब तक इसको टच नहीं करना जब तक ये सारे ऊपर नहीं आ जाते। तो ये धीरे धीरे करके सभी बालूशाही जो है वो ऊपर आ जाएंगे और उसके जो फूल के तो ये हमारे सारे बालूशाही जो हैं वो ऊपर आ चुके हैं तेल के। तो ये फूल भी चुके हैं, बहुत ही बढ़िया देख रहे हैं दिखने है कलर में। तो इसको 15 मिनट के करीब आपने फ्राई करना है, और जब ये ऊपर आ जाए सभी बालूशाही तेल के तो आपने जो फ्लेम है वो तेज कर देना है गैस का। और यहाँ पे 15 मिनट के बाद हमारा जो बालूशाही है वो अच्छे से पक चुका है। आप इसको देख लीजिएगा, मतलब अंदर से बिल्कुल अच्छे से पका होना चाहिए। आप इसको थोड़ा सा तोड़ के भी देख सकते हो, अंदर कच्चा मैदा नहीं होना चाहिए। तो हमने सारे बालूशाही को बाहर निकाल लिया है और अब इसके बाद हम इसको रेडी करेंगे इसके लिए जो चाशनी इसमें ऊपर लगाई जाती है शुगर सिरप। तो शुगर सिरप इसके बाद हम बनाएंगे। तो हमारे जो बालूशाही हैं हम ये यहाँ पे फ्राई होके पूरे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो अब इसके लिए हम शुगर सिरप रेडी करते हैं। तो शुगर सिरप रेडी करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में मैंने यहाँ पे डाला है 2 किलो चीनी। यानी कि अगर आपके पास 1 किलो मैदा है तो 1 किलो मैदे में 1 किलो शुगर का आप यूज़ कर सकते हो। और आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है फिर आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे एक बार उबाल आ जाए और एक तार की चाशनी बन जाए तो आप यहाँ पे इसमें आप सारे बालूशाही को इसमें डाल दीजिए, और इसको बहुत ही हल्के हाथ से आपको
मतलब चाशनी में इसको घुमाना है बहुत ही हल्के हाथ से, ताकि टूटे नहीं, क्योंकि ये फ्राई करने के बाद सॉफ्ट होता है और थोड़ा सा क्रिस्पी टाइप का होता है, तो ये टूट भी सकते हैं। तो इसको बहुत धीरे धीरे से आपने इसी टाइप से ऐसे ऊपर चाशनी जो है उठा उठा के इसको ऐसे ऊपर डालना है, ताकि ये जो चाशनी है वो अंदर तक भर जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे बालूशाही रेडी हो चुके हैं। तो ये चाशनी लगाने के बाद हमने सारे बालूशाही को निकाल लिया है। तो ये देखिए, छोटे छोटे जो शुगर के हैं वो इसके ऊपर जम चुके हैं और ये सूख चुका है थोड़ा सा। तो इस टाइम पे अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो गाइस, आप वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और मैं डेली ऐसे ही न्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आप ज़रूर देखिए और मेरे सभी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है मेरे वीडियो को, सो थैंक यू सो मच गाइज़।